हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। साथियों, आज अपने लिए बहुत बड़ी बात है कि माननीय पटना हाईकोर्ट द्वारा जो जजमेंट दिया गया है आपके लिए, उसके बारे में जैसा कि अभी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया था, उस पर विशेष चर्चा करूंगा। जजमेंट भी फाइनली आ गया है। तो सबसे पहले तो पूरे भारत के, मध्य प्रदेश के BSTC संघर्ष समिति, JBT संघर्ष समिति, DED संघर्ष समिति, भारत में जितने भी राज्यों में किसी भी नाम से जानी जाती है, वो किसी भी तरीके से जानी जाती है, मात्र 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है, उनके लिए मैं आपको यही बताने जाऊंगा कि मध्य प्रदेश में फाइनली वही होगा जो बिहार में हुआ है। तो सबको बहुत बहुत बधाई, और आज आप लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है, और आपको मैं बहुत आसानुभूत व्यक्त करना चाहूँगा, बहुत प्रसन्नोचित व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए दिन बहुत समय संघर्ष करने के बाद आया हुआ है। जैसा कि मुझे याद है, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, मध्य प्रदेश के DED संघर्ष समिति के साथी भी काफ़ी हैरान परेशान होते हैं। वास्तव में होना भी चाहिए, लेकिन क्या है, हैरानी परेशानी वाली बात यह है कि समय है, समय लगता है। कोर्ट वगैरह में जब जाते हैं तो आपको धैर्य, संयम, पैसा सब कुछ खर्च करना पड़ता है, लेकिन उसका परिणाम भी आप देखते हैं कितना पॉजिटिव मिला है। सबसे पहले तो मैं आप बात करना चाहूँगा पटना हाईकोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग। तो पटना में जैसा कि आप लोगों को पता है, 28 और 29 नवंबर 2023 को सुनवाई हुई थी। लगातार सुनवाई होने के बाद पटना में जो जजमेंट रिजर्व कर लिया गया था, अब रिजर्व करने के बाद, इसके पहले माननीय रमेश रॉयल सर, माननीय मुकेश रॉयल सर के द्वारा बता दिया गया होगा, जो अपनी बिहार संघर्ष समिति, DED संघर्ष समिति की टीम है, धनंजय जी, उनके द्वारा भी आपको व्यक्तिगत रूप से बताया जाता है। तो सारी जानकारी आपको एग्जाम तक के माध्यम से दी जाती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आज यानी कि सुबह करीब 11 o'clock समथिंग बिहार का जजमेंट आया। तो मैंने उस टाइम पर अभी आपको थोड़ी नॉर्मल सूचना दी थी, और उसके बाद फाइनली अब जजमेंट आ चुका है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले में, जजमेंट का 29 नंबर पैराग्राफ डिस्प्ले पर लगा हुआ है, आप वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जजमेंट में क्या है। मैं आपको उसको विस्तार रूप से बताऊंगा, पूरे जजमेंट का आपको मैं अपने स्टूडियो के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन अर्जेंट में वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा क्योंकि काफ़ी सारे कॉल्स और मैसेज आ रहे थे, तो मुझे लगा साथियों को बता देना चाहिए। तो ये जजमेंट में डायरेक्ट यही लिखा गया है कि जो भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम थी, यानी कि जो बिहार की भर्ती है, राजस्थान हाईकोर्ट ने 25/11/2021 को जो जजमेंट दिया था, राजस्थान माननीय जोधपुर हाईकोर्ट द्वारा, तो जोधपुर हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया था उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट टू आउटकम बिहार के पटना हाईकोर्ट ने रखा था कि जब भर्ती हो रही थी तो उसको रिजर्व कर दिया गया था। उसके बाद लगातार सुनवाई का दौर जारी रहा, तो उसके बाद ये केस चला जाता माननीय सुप्रीम कोर्ट। जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ये केस जाता है तो उसमें लग जाता है समय, उसके बाद 10/11/12/2023 को फाइनल सुनवाई होती है। माननीय कपिल सिब्बल जी, माननीय मीनाक्षी अरोड़ा मैम, और भी DED संघर्ष समिति की, BSTC संघर्ष समिति की तरफ से काफ़ी लोग पैरवी करते हैं, और फाइनली ऑर्डर रिजर्व हो जाता है। अनिरुद्ध घोष और सुभांशु धूलिया जी की बेंच में ऑर्डर रिजर्व होता है। तो जैसे ही ये ऑर्डर रिजर्व हो जाता है, ऑर्डर रिजर्व होने के बाद फाइनली 11 अगस्त 2023 को ये फैसला आता है, और फाइनली BSTC संघर्ष समिति राजस्थान को जीत मिलती है। फिर उसके बाद लगातार सुनवाई का दौर मध्य प्रदेश में जारी हो जाता है। इसी आपने, आपको देखा होगा 28 अगस्त काफ़ी सारी सुनवाई लगातार चलती रहती है, मध्य प्रदेश में सुनवाई का दौर जारी रहता है, अदर हाईकोर्ट बिलासपुर में भी जारी है, और हिमाचल में भी जारी, और मतलब हर जगह, हिमाचल का तो हो गया जैसे कि, और पटना में भी जारी, तो ऐसे हर जगह जारी होता। तो पहला, भारत के इतिहास का ये पहली जीत है कि लगे हुए नौकरी में से 22,000 लोगों को एक साथ निकाल दिया एक झटके से, मतलब उन लोगों को एक साथ एक झटके में नौकरी से बाहर कर दिया। तो आप देख सकते हैं सत्य की हमेशा जीत होती है। अब इसमें देखिए डायरेक्ट लिखा गया है, जो डिस्प्ले में लगा हुआ है इसके बारे में बताऊँ, 29 नंबर पॉइंट है, इसमें डायरेक्ट लिखा गया है कि जो NCT का गजट था 2010 में, जो 28 जून 2018 को बना हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग NCT ने जो ब्रिज कोर्स को, BEd को लेकर के 6 महीने का ब्रिज कोर्स बनाया गया था, उसको माननीय जोधपुर हाईकोर्ट द्वारा 25/11/2021 को रद्द कर दिया गया है। उसी के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को जजमेंट दिया, और उनने मोहर लगाई फाइनली उसमें। तो अब वो मोहर लगाने के बाद आज यानी कि आज कितनी डेट है, 6 दिसंबर 2023 को माननीय पटना हाईकोर्ट द्वारा
बीएड वालों को फाइनली उनको अपात्र माना जाता है। और इसमें लिखा है कि माननीय शिक्षा विभाग पटना हाईकोर्ट द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा जो चीज़ें बोली गई हैं उनके पास सिलेक्शन लिस्ट है, अपात्र लोगों को बाहर किया जाए, पात्र लोगों को फिर से पुनः मेरिट जारी करके स्कूलों में नियुक्ति दी जाए। इस प्रकार की पूरी भर्ती प्रक्रिया बनाई गई है, इस प्रकार से नियुक्ति होगी। और यही से मध्य प्रदेश में भी होने वाला है। मध्य प्रदेश में भी कम से कम 15,000 लोग ऐसे हैं जो कि बीएडधारी हैं, अच्छा मतलब अपात्र हैं, उनको किसी कारणवश सरकार ने ले लिया है। अब वो उसमें लगातार सुनवाई का दौर जारी था, तो भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि यह फैसला आपको देखने को मिलेगा। पहले आप लोग यही समझते थे कि ऐसा हो सकता नहीं हो सकता, लेकिन फाइनली आपने देखा कि इस फैसले को लेकर के माननीय पटना हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा जजमेंट दिया, जो कि आपके इतिहास तय करता है। इतिहास गवाह है, सत्य के साथ जीत हुई है। सभी बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था, तो बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए माननीय हाईकोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। क्योंकि इसमें डायरेक्ट लिखा गया था आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, बच्चों को पढ़ाने का अधिकार नहीं है, वो लोग अपात्र हैं, बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं, बच्चों को पढ़ाने का उनके पास दिमाग ही नहीं है। अरे जब शिक्षा ग्रहण नहीं की उनने बच्चों को पढ़ाने की, तो कैसे स्कूल में पढ़ा सकते हैं? अचानक हैं, अपात्र हैं, तो उनको पढ़ाने का अधिकार ही नहीं है। इसलिए फाइनली जो पढ़ाने के अधिकार थे, पढ़ाने का हक था जिनके पास, आज उनको जीत मिली है और वो अपने स्कूल में जाएंगे। सबसे पहले तो बिहार के डीएड संघर्ष समिति को मैं बधाई देना चाहूँगा, धनंजय जी और चंदन जी सभी को बधाई के पात्र हैं सभी लोग, और पूरे बिहार के डीएड संघर्ष समिति बधाई के पात्र हैं। वो लोग स्कूल में जल्दी ज्वाइन होंगे, वो जल्दी बच्चों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। और ऐसा ही जैसा बिहार में अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का कार्य बिहार में जो किया जाएगा, वैसे भी बहुत जल्द मध्य प्रदेश में भी होगा। जैसा कि मध्य प्रदेश में भी काफ़ी लोग जो अचयनित हैं, जो योग्य नहीं हैं, वो लोग पढ़ा रहे हैं, तो वो मध्य प्रदेश में भी ऐसी होगा कि बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा, जिनको योग्यता नहीं है, जानकारी नहीं है, वो क्या पढ़ा पाएंगे? तो वो नहीं पढ़ा पाएंगे। ऐसे कल भी मैंने आपको बताया, कल जस्टिस सील लागू जी की बेंच में जो फैसला हुआ उसमें डायरेक्ट यही बोला गया था कि जैसे माननीय रूपरा महोदय ने बोला था कि नौकरी में लगे लोगों को कैसे निकाला जाता है, तो उनने कहा कोर्ट तो हमेशा कंसीडर करता है, तो माननीय जज महोदय ने, आप पॉइंट देख लीजिएगा, जज महोदय ने यही बोला था कि नौकरी में लगे लोगों की बात ही नहीं है, ये बच्चों के अधिकार का हनन हो रहा है। मतलब उनको बच्चों को पढ़ाने का ज्ञान ही नहीं है, वो कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं? मतलब जो लोग बच्चों को पढ़ाने के काबिल हैं उनको बाहर रखा गया है, वो किसी कारणवश अपात्र लोगों को लिया गया है। ये माननीय जज महोदय ने कल ही स्पष्ट कर दिया था, लेकिन किसी कारणवश अब देखिए डबल बेंच में वो चला गया है और उन्हें धूलिया जी की बेंच में गया, तो क्लियरिफिकेशन के लिए 11 की जो डेट देख करके उसमें मध्य प्रदेश में डेट दी गई है, तो कोई चिंता नहीं है। सत्य परेशान हो सकता, पराजित कभी नहीं। और मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि मैक्सिमम लोगों को ये वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए, ऐसी सही और ऑथेंटिक जानकारी के लिए एग्जाम तक को सब्सक्राइब कर